गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पालक। आइए बनाना शुरू करते हैं। कुकर मैंने गर्म होने दे दी है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। मैं इसको तेल में बना रही हूँ। तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम एक तेज पत्ता डालेंगे, एक दालचीनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, कटी हुई प्याज डालेंगे, ये 2 प्याज है इसे डाल देंगे, अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी भून लेंगे। दो हरी मिर्च डालेंगे, इसमें हम 2 कटी हुई टमाटर डालेंगे, इसे भी भून लेंगे। टमाटर भी हमारा भून चुका है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसे भी हम मिला देंगे। अब इसमें हम चने की दाल डालेंगे, ये 1 कप चने का दाल है। इसको मैंने 4 घंटे भिगो के रख दिया था। इसे भी हम मिला लेंगे। थोड़ा भून लेंगे इसे। अब इसमें हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे भी मिला देंगे। अब इसमें हम पालक डालेंगे। ये मैंने 1 गड्डी पालक ली हुई है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें, इसे हमें मिलाते जाना है। उसके बाद फिर डालना है थोड़ा और, इसे भी हम डाल देंगे। थोड़ा इसे मिला लेते हैं। ये देखिए दाल पालक हमारा मिल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, इसे भी हम मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। दाल पालक हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। ये 1 ग्लास पानी है।
देते हैं और इसे दो सीटी आने तक हम रहने देते हैं। तीन सीटी कुकर में लग चुकी है। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ करते हैं, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको हम खोलेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। दाल हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। गैस को फिर से ऑन करते हैं हम। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, इसे हम मिला देंगे और उबाल आने देते हैं इसमें। दाल में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं देसी घी ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा हरा धनिया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, मैं इसको निकाल रही हूँ। ये मेरा दाल पालक बनके रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।